भाई, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको काली दाल के चने की उड़द की दाल के दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। दही बड़ा, अब हम इसे सबसे पहले एक कटोरी हम काली दाल लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह धो के भिगो देंगे। यह है हमारी एक कटोरी दाल। अब हम इसे अच्छी तरह से धोएंगे, फिर इसमें हम पानी भर के आपको दिखाएंगे। दाल हमने अच्छी तरह से धुली है। अब हम इसे 6 घंटे के लिए रख देंगे। काली दाल हमारी बहुत अच्छी हो गई, धुल के साफ सुथरी है। अब हम इसे रख देते हैं, 6 घंटे बाद आपको दिखाएंगे। हमारी दाल जो हमने 6 घंटे के लिए रखी थी, हमारी दाल अच्छी तरह से फूल गई है। देखिए आप, सारे छिलके भी उतर गए। अब हम आप इसे धो के दिखाएंगे। देखिए सब छिलके उतर चुके हैं। हमने दाल अच्छी तरह से धुली है, बहुत अच्छी बल बल के धोई है। सारा छिलका हमारा बाहर हो गया। अब हम आपको पीस के दिखाते हैं। आप चाहे तो सिलबट्टे पे पीसना, दिल चाहे मिक्सी में पीसना, लेकिन हम सिलबट्टे पे पीस के आपको दिखाते हैं। हमने दाल पीस ली है, हमने सिल पे पीसी, आप देख सकते हैं। मिक्सी में पीसते तो ये पतली हो जाती, हमें ऐसी नहीं चाहिए थी। अब हम इसके प्रेजेंटेशन के लिए, जो सजाने के लिए, हमने जो दही लिया है 1 कटोरी, हमने ये मलाई ली है घर की, और हमने इसके ऊपर से दही भल्लों के डालने के लिए थे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 3-4 लाल मिर्चें ली हैं, ये चीनी ली है। अब हम इसका आपको दही भल्लों के ऊपर से डालने वाला मसाला तैयार करके दिखाते हैं। ये है, कढ़ाई रख रहे हैं। अभी हम इसके अंदर लाल मिर्चें और जीरा और ये जो लिया था हमने धनिया सूखा, अब हम इसे थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। जले भूनेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनना है। जब ये भून जाएगा तो हम इसे मिक्सी में या इमाम दस्ते में हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे। देखिए हमारा अब भुन गया है। देखिए पूरा हो चुका है, बस हमें नहीं भूनना है। अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं, आपको मिक्सी में पीस के दिखाते हैं। देखिए हमने मिक्सी में डाल दिया। अब आखिरी काम ये, हमने 1 चम्मच चाट मसाला लिया, वो भी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि इसकी मदद से ये अच्छा सा पिस जाएगा। अब हम आपको पीस के दिखाते हैं। अब हमारा ये पिस चुका है, देखिए ना, हमने ज़्यादा मोटा रखा ना बारीक, ऊपर से सजाने के लिए हमने। मसाला तैयार है, बहुत बारीक हो चुका है। हमने कढ़ाई रख दी है तेल गर्म होने के लिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम आपको बड़ा डाल के दिखाएंगे इसमें तेल में। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम बड़ा बना के डालेंगे। आप देखिए, देखिए हम ऐसे बनाएंगे, हम थोड़ा पानी की मदद से थोड़े थोड़े बड़े बनाएंगे। बड़ा बना लिया है, अब हम पानी की मदद से दूसरा बड़ा बनाएंगे। ऐसे बनता है, देखिए थोड़ा गोल करते हैं इसे, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं हम इसे। देखिए हमारा बड़ा बन गया है। ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है, छोटे बनाने हैं। ऐसे ही हम सारे बड़े डाल देंगे। देखिए आप फूल कितने अच्छे रहे हैं। क्योंकि हल्की आंच पे सिकते हैं ये, इसलिए हम अभी से पलटेंगे नहीं, क्योंकि पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसीलिए हम थोड़ी देर सेकेंगे। अब हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं, हम इसे पलटेंगे। कलर बहुत अच्छा आ चुका है इसका, ब्राउन होने लगे हैं ये। ऐसे ही हम सारे बड़ों को पलट लेंगे, क्योंकि फूल चुके हैं हमारे। अब हमारे बड़े सुराख हो चुके हैं, आप देख खुद सकते हैं। देखिए फूल भी चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे हींग और काले नमक के पानी में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने नमक इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, इसीलिए हम नमक और हींग के पानी में इन्हें ठंडा होने के बाद में डालेंगे। हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम बड़े हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें पानी में डालेंगे। पानी हम हींग और काले नमक का बनाएंगे, जो हमने इसमें नमक नहीं डाला है, इसमें नमक पहुंच जाएगा। हमने पानी ले लिया है, खुले बर्तन में पानी लेना है। हमने आधे से आधा चम्मच हींग डाली है इसमें, क्योंकि हींग का स्वाद बड़ों में बहुत अच्छा आता है। हमने 1 चम्मच काला नमक लिया है, क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला था। अब हम इसे थोड़ी देर घोल के दिखाएंगे आपको। जब ये घुल जाएगा तो हम इसमें, जो हमने बड़े बनाए हैं ठंडे हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे। हमने हींग
और काला नमक डाला था, ये बड़ों के अंदर पहुंच जाएगा। हमने ठंडा करके बड़े डाले हैं। देखिए हमारे बड़े कितने फूले फूले बने हैं। हमने सिल पे पीसा था दाल को। देखिए अब हमारे बड़े पानी में बिल्कुल डूब चुके हैं। और ये देखिए पानी हमारा कैसे निकल गया, हल करके पानी से दबा के आप बड़ों को ऐसे ही हल्के हाथ से दबाना, सारा पानी निकल जाएगा। देखिए कितना पानी इसमें आ गया, फूले फूले हमारे बड़े थे। हमने सारे बड़े निचोड़ लिए हैं। देखिए आप सारा पानी ऐसे ही निकलता है। ये बड़े हमारे सब निचड़ गए हैं, हाथ से ही दबाना है। बड़े हमारे निचड़ चुके हैं। अब हम इसके लिए दही तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मिक्सी में मलाई डालेंगे, जो हमने घर की फ्रेश मलाई निकाली है। फिर हम इसमें दही डालेंगे। फिर हम इसमें एक चम्मच हमने चीनी डाली है, हम चीनी डालेंगे। अब हम आपको मिक्सी में बना के इसे दिखाते हैं। दही को हमने दही बना लिया है। देखिए हमारा दही बन गया है। इसमें चीनी थी, मलाई थी और दही था। यह हम ऊपर से बड़ों में डालेंगे। यह इमली की खटाई है, मीठी चटनी है, इसीलिए पहले मैंने ये बना रखी है। आप यूट्यूब में मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, मैंने इसको लिंक डाल रखा है इसका। अब हमारे जो बड़े तैयार हुए थे, अब हम इन्हें आपको सजा के दिखाएंगे। ये बड़ा लिया है, देखिए आप कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही मुलायम है। आप भी ज़रूर बनाना और बच्चों को, मेहमानों को, सबको खिलाना। ये ईद पे भी बनते हैं, मेहमान आते हैं तब भी बनते हैं। अब हम इन्हें दही डाल के आपको दिखाते हैं। हम इस पे मीठी चटनी, ये खटाई बोलते हैं, इसे डालेंगे। अब हमने जो मसाला बनाया था बड़ों का, हम उसके ऊपर से डालेंगे। देखिए हमारे दही बड़े तैयार हैं। आपको मेरे दही बड़े अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे आप मेरी जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।